राउंड वाला डिज़ाइन और यहाँ पे हल्का हल्का कर दो। अगर मैं ही मेहंदी ज़्यादा ला ली मतलब मैं ही तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोनों ही केसेस चिट्टर पट दोनों बीवी की होती है हमेशा। हाँ भाई कल के साथ में तुम सुनना फिर मज़ा आएगा। हमारे सब कोई बदमाशी नहीं करेगा क्योंकि मेरा नंबर भी आएगा। अब आ रही है माधुरी दीक्षित। शशिकला हो आया मेरे को बोली कादर खान की बीवी। जनरली एक फ्रेज होता है टू द मून एंड बैक। हम लोग बोलते हैं टू द यूनिवर्स एंड बैक बिकॉज देर इज नो एंड टू द यूनिवर्स। सो आई गेस दैट इज हाउ मच आई लव हिम एंड आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग हिम दैट आई लव हिम टू द यूनिवर्स एंड बैक। ने कोई फोटो वगैरह क्लिक नहीं की थी सो दैट इज समथिंग आई विश मैंने उस टाइम फोटो ली होती तो वो मैं एक फ्रेम करा के लगा था कि दिस वॉज आर फर्स्ट मीट। बट यस तभी उसी टाइम आई फेल इन लव फॉर हर। ये बात है लग रहा है जैसे मैं आज कुछ खो रहा हूं। कल अचानक जब वो मुझसे लिपटी तो अनायास ही आंसू निकल आए। हालांकि मैं सख्त दिल का हूं मैं कभी रोता नहीं हूं लेकिन ये ऐसा एक भावनात्मक समय था कि मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। He asked me to hug my father. He wanted to click a picture with him. So, I realized that बहुत ही लंबे टाइम से मैंने पापा को हग भी किया। And because I have been living alone for past 10 years, बहुत ही रेयरली मिलती हूँ मैं अपने पेरेंट्स से। But still, I'm going to miss him. सुबह 9 बजे से 10 बजे तक किसी और का होना है, 10 से 11 किसी और का होना है और बस मतलब बहुत लाड़ों से मतलब पहला बच्चा जो घर में आता है मतलब उस तरह से उसको हम लोगों ने ऐसे पाला है अपने बच्चे की तरह। आपकी सालियां हैं गुड़िया
आई हैव दिस बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो मैंने 2017-2016 स्टार करके रखे हुए हैं एंड आई वेन एवर आई फील बैड आई गो बैक टू ऑल दीज मैसेजेस सो दिस मैसेज इज़ फ्रॉम 2017 एंड आई हैव रिटन एंड एवरी टाइम वी फाइट एंड रिबक ऑन ईच अदर एवरी सिंगल टाइम आई गो बैक टू दिस पिक एंड टेल टू माई सेल्फ फाइट्स कैन ब्रेक अस वी आर बेटर देन दिस के मोतियों में खुल के एहसास आया वक्त से निकल के लम्हा दिल के पास आया झूठे गुस्सा था पर दिल को ना महसूस हुआ अब जो देखा तो वो लम्हा दिल को रास आया क्यों कहें कर ना पाऊं जरिए पहुंचाऊं रे या खुद हवा पे चल के आऊं रे तुमसे प्यार है ये खुल के जिनमें